जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज यहाँ जो हमारा प्रदर्शन है, देखिए बीजेपी पूरे देश के अंदर 370 हटाने का जो ढिंडोरा पीट रही है, जम्मू कश्मीर के हालातों को बेहतर बनाने को लेकर जो पूरे देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, पूरे देश की जनता को इस समय वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, जबकि मौजूदा प्रेजेंट स्थितियाँ जो है जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। जम्मू कश्मीर में आज भी जो है आतंकवाद का बोलबाला है, प्रदेश के अंदर आर्थिक मंदी आर्थिक बदहाली छाई हुई है, कहीं पर भी कोई निवेश किसी तरह के रोजगार के अवसर देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पर जो है युवा रोजगार को लेकर त्रस्त है, व्यापारी यहाँ पर व्यापार जो है भारी मंदी है, आर्थिक बदहाली छाई हुई है। इन तमाम ये सबूत है इन तमाम चीज़ों का कि जम्मू कश्मीर के हालात इस समय बहुत ज़्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। देश के किसी भी कोने से कोई भी नागरिक यहाँ जम्मू कश्मीर का निवासी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था यहाँ की सत्ता हथियाने के लिए, उसकी भी पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। यानी यहाँ पर गैर स्थानीय लोग मतदाता बनने तक को लेकर यहाँ पर जो है तैयार नहीं है। जो बरसों से यहाँ पर बसे हैं वह भी जम्मू कश्मीर के हालातों को जानते हैं और यहाँ से जम्मू कश्मीर छोड़कर जो है वापस जा रहे हैं। यहाँ का मतदाता बनने के लिए, यहाँ पर जमीनें खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहे। आज तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने, यहाँ का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही हैं। शिवसेना भी आज इस मंच से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करती है कि तमाम सीमावर्ती राज्यों की तर्ज पर, पूर्वोत्तरी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएँ, ताकि यहाँ की डोगरा संस्कृति पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों का जो है हनन ना हो, उनकी सुरक्षित रखा जा सके। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।